हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम ज्ञान नीटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसमें 9 के मल्टीपल्स प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस प्लस 2 एड स्टिच है। इसमें मैंने 32 स्टिचेस डाले हैं, 9 के मल्टीपल्स 27 प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिचेस प्लस 2 एड स्टिच जो फर्स्ट का और आखिर का होता है, और ये सिर्फ 2 रोज का डिज़ाइन है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फंदा हमारा एड स्टिच है, इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं। फिर हम 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। उसके बाद ये जो हमारे 2 फंदे हैं, हमने इसमें पीछे वाले फंदे को पहले बुनना है और जो आगे वाला फंदा है उसको बाद में बुनना है। तो पीछे वाले फंदे को बुनने के लिए पीछे से हम सलाई निकालेंगे और पीछे वाले स्टिच को लेंगे, ऐसे धागा पीछे करके, ऐसे सलाई लेके पीछे वाले फंदे को हम ऐसे करेंगे और इसको पहले बुनेंगे, फिर हम आगे वाले फंदे को बुनेंगे और उसके बाद हम इसको गिरा देंगे। फिर से हम पीछे से सलाई निकालेंगे दोनों फंदों के बीच में, और पीछे से ये फंदा बुनेंगे, फिर ये आगे वाला फंदा बुनेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे हो गए। पीछे से सलाई निकाल के पीछे वाला फंदा पहले बुनेंगे और आगे वाला फंदा बाद में बुनेंगे। ये 9 फंदों का डिजाइन है ना, 3 फंदे हमने उल्टे बुने, 6 फंदों पे डिजाइन डाला। अब फिर से 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब इन 6 फंदों पे डिजाइन डालना है, पीछे से सलाई निकालेंगे और पीछे वाला फंदा, इसको थोड़ा धागा को पीछे लेके जाना है तभी सीधा फंदा पीछे से बना सकते हैं सीधा। फिर इसको आगे वाले को ऐसे पीछे से सलाई निकालेंगे और पीछे वाला फंदा, इसको पहले बुनेंगे और आगे वाले फंदे को बाद में बुनेंगे, ऐसे। फिर से पीछे से सलाई निकालेंगे और पीछे वाले फंदे को पहले बनाएंगे। और आगे वाले फंदे को बाद में बुनेंगे। तो हमारे ये 6 फंदे हो गए। फिर 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 9 फंदों का डिजाइन है ना। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, पीछे से ऐसे सलाई निकालेंगे और पीछे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर आगे वाले फंदे को बुनेंगे, फिर इन दोनों को छोड़ देंगे। फिर पीछे से सलाई निकाल के पीछे वाले फंदे को पहले बनाएंगे और आगे वाले फंदे को फिर बुनेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर सिलाई पीछे से निकाल के पीछे वाले फंदे को पहले बनाएंगे और फिर हम आगे वाले फंदे को बुनेंगे और फिर हम इसको छोड़ देंगे। इससे ये ऐसा डिजाइन सा आ जाता है। फिर लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और जैसा कि मैंने पहले बताया था, एड स्टिच एक हमारा स्टार्टिंग में एक एंड में है, तो एड स्टिच राइट साइड में हमेशा हम सीधा बुनते हैं, इसको हम सीधा बुनते हैं। ये ऐसे डिजाइन आता है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड में हैं। रॉन्ग साइड में एड स्टिच को हम उतार लेंगे। पीछे हमने ये फंदे उल्टे बुने थे, अब हम इन फंदों को तीनों को सीधा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं,
इनमें हम पिछले फंदे को पहले बुनेंगे उल्टा, और जो आगे वाला फंदा है उसको बाद में बुनेंगे, और फिर हम इनको छोड़ देंगे। तो ये 6 फंदे हमने सारे ऐसे ही बनाने हैं। फिर हम धागा पीछे करके 3 फंदों को बुन लेंगे, फिर धागा आगे करके जो बाद का फंदा है उसको पहले बनाएंगे, और जो आगे का फंदा है उसको बाद में बनाएंगे। इसी तरह हम ये सारे 6 फंदे कंप्लीट करेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे और सीधे बनाएंगे इन फंदों को, फिर धागा आगे ले जाएंगे। 6 फंदे ऐसे ही बनाने हैं, दो दो फंदे के बाद का फंदा पहले बनाना है उल्टा, और आगे वाला फंदा हमने बाद में बुनना है। फिर धागे को पीछे ले जाके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये हमारा एड स्टिच है। रॉन्ग साइड में हम एड स्टिच को हमेशा उल्टा बुनते हैं, और राइट साइड में इसको हमेशा सीधा बुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए डिजाइन ऐसा आता है, आगे से इस तरह है और ये पीछे से ऐसे दिखाई देता है। देखिए कितना खूबसूरत है, और सिर्फ 2 रोज का डिजाइन है ये। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।